हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं दो चीज़ों के बारे में। फर्स्ट इज MBBS राउंड 3 एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर बोथ GMCs एंड सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस MBBS कॉलेजेस। एंड सेकेंडली हम लोग बात करेंगे सीट मैट्रिक्स जो कि अभी रिसेंटली पब्लिश हुई है उसके रिगार्डिंग, एंड हम दोनों को कोरिलेट करेंगे। एंड आप आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करें, अपना कमेंट करें, आपकी जो भी क्वेरी है आप उसका कमेंट कर सकते हैं, एंड वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कितने कॉलेजेस हैं। सी जे जे, उसके बाद सायन, KEM, नायर, RGMC, BGMC, GMC सोलापुर, उसके बाद आगे चलते हैं। अभी हम लोग GMCs के देख रहे हैं सारे, पहले कॉलेजेस के नाम देख लेते हैं एक बार, ओवरलुक कर लेते हैं हम लोग। उसके बाद GMC मीरज, BHGMC धुड़े, GMC कोल्हापुर, HBT कूपर, GMC जड़गांव, GMC बारामती, GMC नंदुरबार, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अलीबाग, GMC सिंधुदुर्ग, GMC सातारा, GMC रत्नागिरी, GMC नागपुर, IGMC नागपुर, उसके बाद GMC यवतमाल, GMC अकोला। चलिए आगे बढ़ते हैं। GMC चंद्रपुर, GMC गोंदिया, MGIMS, उसके बाद GMC औरंगाबाद, डॉक्टर SC, GMC नांदेड़, SRTR, GMC अंबाजोगाई, उसके बाद हम लोग आते हैं ये तीन कॉलेजेस पे, विलासराव देशमुख, GMC लातूर, GMC उस्मानाबाद, GMC परभणी। चलिए अब बात करते हैं टोटल सीट, हम लोग सारी सीट्स एक साथ देख लेंगे कितनी वेकेंट है। तो आप सबसे पहले तो SC कैटेगरी में देख सकते हैं ये वाला, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल SC, तो यहाँ पे 6 जनरल SC में है, उसके बाद 3 वुमेन SC, 4 ऑर्फन SC एंड 15 PWD यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी। 15 सीटें जो कि कन्वर्ट हो जाएंगी क्योंकि कैंडिडेट्स नहीं है अप्रोप्रिएट इतने। अब ST के केस में बात करें तो 15 जनरल, उसके बाद वुमेन ST 5, उसके बाद ऑर्फन की 2 सीट्स है एंड 13 PWD, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में PWD सीट जो है वो वैकेंट है। आगे बढ़ते ये हो गया ST का। अब आते हैं हम लोग VJ की ओर, तो VJ में सी, मैंने आपको इसके पहले वीडियो में ही कहा था कि VJ एंड NT के अंदर अपने को ज़्यादा वैकेंसी देखने नहीं मिलेंगी। इसका प्रमुख रीज़न है कि ऑल इंडिया कोटा के अंदर NT एंड VJ कोई कैटेगरी नहीं है। ये जो कैटेगरी में जो भी लोग आते हैं, जो भी कैंडिडेट्स NT एंड VJ को बिलोंग करते, वो एज अ OBC कैंडिडेट ही, मतलब उन्हें OBC कैंडिडेट ही कंसिडर किया जाता है व्हेन इट कम्स टू MCC। फाइन, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ 5 सीट्स हैं, एंड दैट टू 1 इन जनरल कोटा एंड 0 इन वुमेन, ऑर्फन में 1 सीट है एंड PWD की 3 सीट्स है जो कि कन्वर्ट होंगी। बट हाँ, देखा जाए एक तरीके से तो VJ में बहुत ही कम सीट्स हैं। उसके बाद अब आते हैं NTB, सो दिस इज NTB। NTB के अंदर टोटल 5 सीट्स हैं, इसमें भी कम सीट्स हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं NTC में तो भाई कोई, अब मैं आपको एक मिनट जूम करके दिखाता हूँ। NTC के अंदर तो आप देख सकते हो यहाँ पे, कोई सीट ही नहीं है, सिर्फ PWD की 6 सीट्स है बची हुई, बाकी सारे सब लोगों ने स्टेटस रिटेंशन फॉर्म भर दिए, मतलब नॉट स्टेटस रिटेंशन, सब लोगों ने
अलॉटमेंट का अपना एडमिशन लिया है, किसी ने भी कैंसिल नहीं करा है, जिन्हें भी अलॉट हुआ है उन्होंने सब ने एडमिशन लिया है। हाँ बट वर्चुअल वैकेंसी में है यहाँ पे चांसेस, बट अब आगे सीट्स वैकेंट ही नहीं रहेंगी आगे कॉलेज में, तो वर्चुअल वैकेंसी का क्या करेंगे भाई इंसान। ठीक है अभी 6 सीट्स हैं जो कि कन्वर्ट होने जा रही है। अब बात करते हैं NTD की, तो NTD में भी कुछ खास नहीं आया है, सिर्फ 3 सीट उसमें, एक ऑर्फन की और एक, इसमें भी कोई सीट नहीं है जनरल NTD, मतलब NTD की जनरल कोई सीट नहीं है, सारी कन्वर्ट ही होने वाली है। ठीक है अब आते हैं हम लोग OBC की ओर, तो OBC में टोटल 16 PWD की सीट्स हैं, जनरल भी इसमें भी सिर्फ 2 ही जनरल सीट्स हैं, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा नहीं गिरेगा। आगे मैं बात करने जा रहा हूँ वैसे भी कट ऑफ के बारे में, अच्छे से मैं डिस्कस करूँगा आगे चल के, बट आप ये तो देख लो एटलीस्ट पहले। चलिए आगे देखते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं 4 और 2 टोटल 6 और ये 10, टोटल 16 सीट AWS में। ठीक है थोड़े चांसेस लगे है सर, है AWS के कम होने के, OBC के भी है थोड़े कम हो, कट ऑफ कम होने के ज़्यादा चांसेस है OBC में भी, क्योंकि व्हेन वी आर कंपेयरिंग इट विद NTD NTC VJA एंड SC एंड ST में डिप आ सकता है, ST के केस में तो थोड़ा ज़्यादा ही डिप आएगा। अब हम लोग ओपन की ओर आते हैं, तो ओपन में आप देख सकते हो अच्छी तरीके से कि 19 सीट जो है जनरल ओपन में वैकेंट है, 7 जो है वो वुमेन के अंदर वैकेंट है, 8 और +1 दैट इज 9, टोटल 9 सीट्स आर फॉर फ्रॉम ऑर्फन कोटा एंड 20 आर फ्रॉम पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो ओपन के अंदर भरपूर सीट है। बट हाँ जैसा कि आपको पता है कि इसके अंदर ओपन की सीट में भी इट्स कॉल्ड ओपन, ओपन मतलब सबके लिए ओपन है, वो सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए नहीं सबके लिए ओपन है, तो किसी को ज़्यादा नंबर है तो ऑब्वियसली वहाँ वो शिफ्ट हो जाएगा। जैसा किसी NT कोई कैंडिडेट है NTC या NTD का एंड इज़ हैविंग हायर मार्क्स, सो ऑटोमेटिकली वो बंदा या फिर वो बंदी जाके ओपन कैटेगरी में जाके बैठ जाएगा। ठीक है ऐसा चल ऐसे ही है अब, तो आप देख सकते हो ओपन में, तो इसीलिए थोड़ा कट ऑफ कम हो सकता है, बट बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आने वाला, मैं फिर से कह रहा हूँ आपको। अब D1, D2, D3 में आप देख सकते हैं, D1 के अंदर 2 वुमेन सीट्स है बस वेकेंट, एंड D2 के अंदर सिर्फ 1 वुमेन सीट है, D3 में 1 सीट है जनरल की, और MK यानी महाराष्ट्र कर्नाटक का बॉर्डर डिस्प्यूट एरियाज वहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे भी कुछ खास आया नहीं है वैसे वैकेंसी। ठीक है अब है बट दैट्स इम्पॉर्टेंट, आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोगों ने गवर्नमेंट का डिस्कस किया, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट MBBS कॉलेजेस हम लोगों ने डिस्कस किए, अब बात करते हैं सेमी गवर्नमेंट MBBS कॉलेजेस यानी प्राइवेट भी बोल सकते हैं आप उन्हें, अगर आप स्कॉलरशिप या फिर फ्रीशिप नहीं लोगे तो दैट्स प्राइवेट फॉर यू। ठीक है चलिए यहाँ से कर लेते हैं, नंबर 1 पे KGMC, उसके बाद टेरना, माइमर, डॉक्टर VP, वसंतरा पवार नासिक, ACPM मेडिकल कॉलेज, VVPF मेडिकल कॉलेज, SKN मेडिकल कॉलेज, चलिए आगे बढ़ते हैं, उसके बाद अश्विनी रूरल मेडिकल कॉलेज, DUPMC, उसके बाद BKL बालावलकर मेडिकल कॉलेज रत्नागिरी, PIMS, और आगे बढ़ते हैं SMBT मेडिकल कॉलेज, वेदांता मेडिकल कॉलेज, सिंधुदुर्ग मेडिकल कॉलेज, उसके बाद डॉक्टर NY तासगावकर मेडिकल कॉलेज, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज पुणे, NKP साल्वे मेडिकल कॉलेज नागपुर, उसके बाद PDMMC, उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र गोड़े मेडिकल कॉलेज, फिर आएगा MIMSR लातूर, IIMSR जालना जो कि एक मुस्लिम माइनॉरिटी रिलीजियस माइनॉरिटी कॉलेज है, देन लास्टली हमारे पास है PMC जो कि परभनी में लोकेटेड है। अब बात करते हैं सीट मैट्रिक्स पे, तो मैं कर देता हूँ थोड़ा जूम इस चीज़ को, तो यहाँ पे भी आप क्लियरली देख सकते हैं कि टोटल 18 सीट्स है, 14 जनरल कैटेगरी, SC कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, 14 सीट 14 प्लस 4 आर फॉर रिजर्व फॉर फीमेल SC, तो यहाँ पे टोटल 18 सीट्स हैं। ठीक है तो अच्छे मतलब है,
चांसेस तो अच्छे हैं। एंड एसटी कैटेगरी के लिए टोटल 21 सीट्स हैं, 14+7 दैट इज 21, 7 आर फॉर वुमेन एसटी कैटेगरी। वीजे के लिए सेम हाल है भाई, 5 ही सीट है, वहाँ पे भी बहुत कम थे, यहाँ पे भी बहुत कम है, 5 ही सीट है, मात्र 5 है। और अब एनटी बी में भी सिर्फ 4 ही है, 3+1 3 जनरल एंड 1 वुमेन। ये हो गया अपना एनटी बी का। अच्छा, N1 को एनटी बी बोलते हैं, N2 मतलब NTC एंड N3 इज NTD, अलग अलग कैटेगरीज हैं। ओके, नाउ NTC पे आते हैं हम लोग। तो यहाँ पे तो सिर्फ 2 सीट्स हैं, सिर्फ 2 यार, सीट्स ही वैकेंट नहीं थी। अब NTD में है 3, 2+1, यहाँ भी कुछ ज़्यादा अंतर नहीं देखने मिला है हमें। यहाँ पे आपको फर्क पता चल रहा है, 23+9 सीट्स, 23 जनरल मतलब OBC की बात कर रहा हूँ, तो 23 है, 23 सीट्स है एंड 9 उसमें से वैकेंट है। ठीक है, अब चलते इसी EWS तो होता नहीं है तो इसलिए 00, सेमी गवर्नमेंट प्राइवेट में EWS नहीं है। अब जनरल कैटेगरी में 186 सीट्स है टोटल एंड 78 जो है वो वुमेन की सीट्स है। ठीक है, यहाँ तक कि हमने सीट मैट्रिक्स का डिस्कशन कर लिए, अब आगे चलते हैं कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा डिमांडिंग वाला पार्ट है। बहुत ज़्यादा ही कमेंट आए थे हमें कि सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो चाहिए हमें, बहुत ज़्यादा, मतलब इतना तो शायद ही कोई वीडियो को आया होगा इतना रिस्पॉन्स कि हमको स्पेसिफिकली। एंड मैंने सब लोगों को इंडिविजुअली कॉमेंट करके बताया भी था कि मैं सीट मैट्रिक्स के साथ ही डालने वाला हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए हम लोग अब बात करें MBBS राउंड 3 का क्या कट ऑफ रह सकता है, यानी एक्सपेक्टेड कट ऑफ। सी, मैं आपको इसमें एक रेंज ही बताने जा रहा हूँ, मतलब एक रेंज बताऊंगा, रफ रेंज, उसके बीच में ही कट ऑफ रहने वाला है थर्ड राउंड में। कैटेगरी वाइज बताऊंगा एंड दोनों कॉलेजेस का बताऊंगा, गवर्नमेंट कॉलेजेस का भी बताऊंगा एंड सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस का भी बताऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ओपन का कट ऑफ जो है वो 581 टू 584 तक आ सकता है, ये रेंज है। EWS का 578 टू 582, बहुत अंतर नहीं मिले क्योंकि बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट में तो बहुत ज़्यादा सीट्स वैकेंट नहीं हैं, काफ़ी ज़्यादा फिल हो चुकी है। 576 टू 580 OBC, बहुत, क्योंकि मैंने स्टिल इसमें भी बहुत अंतर नहीं मिलना है। NTD 573 टू 577, उसके बाद NTC 562 टू 566, NTB की बात करें तो 502 टू 506, VJ का 525 टू 530। एंड हाँ, ऐसा भी बहुत सारे केसेस में कुछ एकाधे कैटेगरी में तो होने ही जा रहा है कि कट ऑफ जो है वो बढ़ जाएगा, आई डोंट नो विच, ऐसा ना हो बट वी नेवर नो क्या हो जाए, कुछ भरोसा नहीं, मतलब गवर्नमेंट में तो शायद नहीं होगा भाई, प्राइवेट के अंदर हो सकता है। कोई एक आधी कैटेगरी ऐसी रहने जा रही है जिसका पक्का कट ऑफ इंक्रीज हो जाएगा, जैसा लास्ट टाइम हमने देखा था मुस्लिम माइनॉरिटी का एक कॉलेज है, उसमें 6 मार्क का इंक्रीमेंट हो गया था। अगर आपने ऑल इंडिया का भी देखा है, ऑल इंडिया का, तो ऑल इंडिया में भी थर्ड राउंड में आप देख पाओगे कि अभी जो लगा है रिसेंटली 4-5 दिन पहले, ऑल इंडिया कोटा में भी आपको इंक्रीमेंट देखने को मिला था। ठीक है, एससी कैटेगरी के लिए 481 टू 485 रहने वाला है कट ऑफ। नाउ फॉर ST कैटेगरी इट कैन बी 351 टू 356। ये हमने बात कर ली गवर्नमेंट कॉलेजेस की, अब चलते सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस पे। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात कर रहे हैं हम लोग, तो अच्छा अभी आपको की कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे, तो मैं उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा एंड मैं करता भी हूँ क्लियर, मोस्टली मैं रिप्लाई देता ही हूँ, सारी कमेंट पे रिप्लाई करता हूँ मैं। ठीक है, तो ओपन का कट ऑफ आप देख सकते हैं, ओपन का कट ऑफ आप देख सकते हैं 526 टू 522 टू 526 तक रह सकता है, 522 टू 526 कट ऑफ रहेगा ओपन का, 521 भी हो सकता है, 521 भी रह सकता है कट ऑफ, क्योंकि बट मैं स्टिल उसमें ये कर रहा हूँ क्योंकि NTD, NTC, NTB एंड VJ इनका कट ऑफ, इनके जो कैंडिडेट, नॉट दिस वन, नॉट VJ बट NTC, NTD एंड OBC, ये
ये कैंडिडेट्स क्या करेंगे, यहाँ पे इन्फ्लक्स करना स्टार्ट कर देंगे। अब मैं कोई साइंस का कॉन्सेप्ट तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बट ऐसा होता है हकीकत में कि बहुत सारे लोगों को इनके कैटेगरी में, क्योंकि सीट्स कम होती है NTD OBC एंड NTC में कैटेगरी में, मतलब इनके सी कट ऑफ जो है इनके आसपास ही है। लास्ट टाइम आप देख पाओगे कि ओपन एंड NTD का 525 मार्क्स पे कट ऑफ था एंड NTC एंड OBC का 524 मार्क्स पे, तो बहुत अंतर नहीं मिलने वाला है। तो अब ओपन में तो बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, तो क्या होगा कि NTC एंड NTD एंड OBC तीन कैटेगरी के लोग जो है वो ओपन में उनको अलॉटमेंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड हमने लास्ट टाइम देखा भी है कि बहुत सारी EMD EMR सीट्स भी होती है। अच्छा, तो आप इसीलिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं 521, मैं कहूँगा 521 रहना चाहिए था, बट इन्फ्लक्स होगा इसलिए मैंने सेफ्टी के लिए 522 to 526 कहा है, ठीक है। अब OBC की बात करें तो OBC की भी बात कर रहा हूँ मैं, तो 522 to 526 सेम रहने वाला है, इसी रेंज में रहने वाला है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पता चलेगा। ऑलमोस्ट इन सब का ना कट ऑफ आगे पीछे ही रहने वाला है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं पता चलेगा इन चारों में, ओपन, OBC, NTD एंड NTC। इन द केस ऑफ सेमी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के केस में ऐसा नहीं होगा, गवर्नमेंट के केस में थोड़ा फर्क पड़ता है, ठीक है। अब NTB पे आते हैं, जिसे NT1 भी कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसका 475 to 479 कट ऑफ रह सकता है। अब VJ की बात करें तो 498 to 501, यहाँ पे भी भाई वैकेंसी ज़्यादा नहीं थी। SC कैटेगरी में यहाँ पे पता है कि 460 to 464 की रेंज में काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, तो और जितने मुझे कमेंट सेक्शन में भी आए हैं वो भी सब 461 462 463। तो प्लीज़ आप थोड़ा समझिए कि इसी रेंज में कट ऑफ आ सकते हैं। अब कैसा, मैं खुद प्रेडिक्ट नहीं कर सकती आगे वाला बंदा या आगे वाले कैंडिडेट्स क्या फिल कर रहे हैं, वो मे भी कुछ और, वो मे भी ऐसा हो कि गवर्नमेंट डाले, और ऐसे ऐसे भी होने वाले अभी जिनको फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड में अलॉटमेंट नहीं हुआ था, नाउ दे आर ट्राइंग टू टेक दिस सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस ऑल्सो, क्योंकि अभी कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो इतना तो रिस्क उठाना पड़ेगा उनको। तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो सेमी गवर्नमेंट ले लेंगे, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड में बहुत सेलेक्टिव कॉलेजेस ही भरे थे, उन्होंने सिर्फ सेलेक्टिव सेमी गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस भरे थे। तो अभी वो लोग बहुत सारे कॉलेजेस की, मतलब उन लोगों ने अभी चॉइस फिलिंग करना स्टार्ट कर देगी वो कल से, एंड बहुत सारे लोग जिन्हें अलॉटमेंट नहीं हुई थी वो लोग सारे सेमी गवर्नमेंट भरने गए मोस्टली। एंड PMC में भी थोड़ा फीस का मसला है, तो उसका मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उसका। एंड ST कैटेगरी में आप देख सकते हैं 525 to 530 रह सकता है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा कम है क्योंकि ST में कैटेगरी में सीट्स काफ़ी वैकेंट है, क्योंकि ST कैटेगरी का ओपन, सॉरी, ऑल इंडिया का भी कट ऑफ थोड़ा कम गया था, तो इसीलिए यहाँ पे भी सीट्स इंक्रीमेंट, एक वो भी मेजर एक रीज़न है कि बहुत लोगों ने लीव कर दिया है सीट महाराष्ट्र की एंड दे वेंट फॉर ऑल इंडिया सीट्स। नाउ MM जो कि एक ही कॉलेज में IIMSR बदनापुर जालना, जो भी कहते हैं आप जालना मेडिकल कॉलेज whatever, तो इसका 535 कट ऑफ था एंड इसमें सिर्फ 4 सीट्स है वैकेंट। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि ज़्यादा कुछ अंतर आएगा नहीं, ये मे भी इंक्रीज भी हो सकता है, मे भी ये 537 पे भी जा सकता है, कोई भरोसा नहीं है इसका। और कम से हुआ तो 533 532, मिनिमम रेंज बता दिया मैंने, क्योंकि कॉलेज की जो फीस है वो काफ़ी कम है बाकियों के कंपैरिजन में, मतलब हाँ कम फीस में ही आएगा ना वो, 7 lakh 20,000 समथिंग आसपास है उसकी फीस। एंड इफ़ यू आर इन द कैटेगरी देन यू कैन टेक द बेनिफिट ऑल्सो OBC एंड EBC का, इसीलिए ठीक है।